पहले मैं बहुत झूठ बोलता था, फिर मैंने एक दिन इस बंदे की वीडियो देखी। अगर ये पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो क्या अब नहीं बोलता? घंटा अभी भी बोलता हूँ। गजब टूबी बाज आदमी। ये लो बेटा खीर खाओ, उठाओ कौन सी प्याली लोगे? पापा मुझे तो बादाम पसंद है, मैं तो बादाम वाली खीर खाऊंगा। ठीक है बेटा खाओ। खीर खा रहे इस पे ध्यान मत दो, आपको लग रहा होगा कि बहुत नॉर्मल सी स्टोरी चल रही है। ना 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 ना, इस स्टोरी में इतनी भयंकर वाली कहानी होगी, इतना भयंकर वाला सीख होगा जितना तो गुरुकुल में नहीं मिलता, जितना तो स्कूल में नहीं मिला, उससे ज्यादा सीख आपको यहाँ मिलेगा। हाँ पापा, आपकी प्याली में तो बादाम दिख नहीं रहते, मगर इसके अंदर तो चांद निकले। मेरे बेटे याद रखना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। मतलब ईशान भैया का सोच का लेवल कितना ऊपर, इतना ऊपर, इतना ऊपर है कि उतना ऊपर जाने के लिए हमको भी शायद ऊपर जाना पड़ेगा परमानेंट। अभी नहीं जाएंगे। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। वाओ ईशान भैया, कितनी बड़ी बात बोल दी आपने, हमको तो पता ही नहीं था यार, जिंदगी के 24 साल ऐसे ही गवा दिए हमने। थैंक यू। ले खीर खा। पापा आज दो बादाम वाली नहीं लूंगा, जिसके अंदर बादाम नहीं दिख रहा है वो लूंगा, नीचे छुपे होंगे। बच्चा कलयुग वाला भाई, क्या करे, बिल्कुल तेज माइंड है। अगली बार पापा ने ऐसे करके उल्लू बनाया था, इस बार एक काम करता हूँ, ये ऊपर बादाम नहीं दिख रहा वो लेता हूँ। मगर ईशान अली भी भाई बाप है, अभी वीडियो भी नहीं खत्म हुई है, देखो और भयंकर ज्ञान देखते है। पापा इसमें तो एक भी बादाम नहीं है। और लगा ले दिमाग साला, एक भी बादाम नहीं है इसके अंदर। क्यों नहीं है भाई बादाम? जिंदगी हर दिन एक नई चाल खेलती है, अगर पुराने ही एक्सपीरियंस को लेकर बैठे रहोगे तो हारते चले जाओगे। बेटा स्कूल में इतनी परीक्षाएं नहीं थी, घर पे मेरा बाप ले रहा, कोई बादाम वाली देता कोई बिना बादाम वाली देता। एनीवेज लास्ट में क्या होगा वो देखना। पापा हर बार मैं पहले उठाता हूँ, इस बार आप पहले उठाइए, जो बचेगा वो मैं ले लूंगा। तो दो बादाम वाली मैं ले लेता हूँ। पापा इसमें तो बहुत सारे बादाम है। मेरे बच्चे जब खुद से पहले दूसरों का अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होना खुद शुरू हो जाएगा। क्या बात है ईशान भैया, योर कंटेंट इज टू गुड, टू गुड, मतलब इतना गुड कि मन कर रहा है कि गुड़ खा लूं 2000 किलो जाके। अच्छा पहले बच्चे ने बादाम वाली खीर ली, बेचारे को नुकसान हो गया, फिर बिना बादाम वाली खीर ली फिर नुकसान हो गया, फिर उसने बाप को ऑप्शन दिया कि पापा आप पहले उठाओ, फिर बाप ने क्या किया? जब खुद से पहले दूसरों का अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होना खुद शुरू हो जाएगा। आपको लग रहा होगा भैया स्टोरी कॉपी है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल रियल स्टोरी है ये, ईशान भैया ने राइटर से लिखवाई है, इतनी मेहनत की राइटर ने, इतनी मेहनत की। सबके सब चोर हैं साले, आज इनकी कोठी की नीलामी हो रही है, गुम्मा नवाब साहब 50 लाख रुपए लगा चुके हैं। 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख। अबे बोली लगा तो रहे हो तुम लोग साले, तुम्हारा मुंह देखो, तुम्हारे पास 60 रुपए नहीं होंगे, 60 लाख, 50 लाख ऐसे बोली लगा। अबे लाख देखे कभी तुम लोगों ने? 1 करोड़ 40 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़, करोड़ों में बातें हो रही है यार। बढ़ाइए, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़। ऐसे कौन बोली बढ़ाता यार, सीधा करोड़ करोड़ करोड़। अरे भाई बोली चल रही है, क्या चल रही है? अरे मुंह से हगना ही है तो कुछ ही बोल दो, फिर जब फेंका फेंक खेल रहे हो तो। 5 करोड़। आज हम हार गए, मुबारक हो गुम्मा, ये कोठी तुम्हारी हुई। कोठी तो ले ली भाई तूने, 5 करोड़ लाएगा कहाँ से तू? उसका शकल देखो, अभी लग रहा है दिहाड़ी करने जाएगा, उधर से 600 रुपए का दिहाड़ी लेके आएगा। 5 करोड़ रुपए क्या सोच के 5? अरे वीडियो बनाना है, कुछ भी बोलो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, ऑडियंस तो वैसे है, कुछ भी देखेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किंग हार गया, किंग मतलब चाणक्य का भी बाप, भैया ये हार नहीं सकता, कोई चाल चली है यहाँ पे। मेरी बहन की शादी है इसलिए मैं अपनी कोठी बेच रहा हूँ, सबको पता है मेरी मजबूरी है इसलिए हर कोई पैसे कम लगा रहा है। अब आगे देखने की जरूरत ही नहीं, समझ में पूरी स्टोरी आ चुकी है मेरे को। इसने बोली बढ़ाई, उस बंदे को चूतिया बनाया, वो बंदा 5 करोड़ में हवेली लेके गया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। यहाँ मेरे बचपन के दोस्त आजम का घर है, कार रोको। क्या आजम भाई का घर यही है? घर नहीं, आजम भाई की झोपड़ी है, बताओ क्या काम है? सही है भाई, घर नहीं है झोपड़ी है। बच्चा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहा, मतलब बच्चा तेज है। अरे मोरे भैया, ये तो आई यूट्यूबर ईशान अली भैया, हम भी पलेंदे हम भी लिथेंगे। अरे क्या सिग्नेचर स्टेप बना रखा है, हम भी पलेंदे हम भी लिथेंगे। दोस्त नीचे भीड़ लगी, सब लोग कह रहे हैं ईशान अली तुम्हारे घर पर आया हुआ है, जा बेटा जल्दी से बाहर से कुछ लिया। पापा बहुत उधार हो चुका है अपने ऊपर, कोई दुकानदार कोई सामान नहीं दे रहा है। इनकी स्टोरी कितनी भयंकर होती है, कोई बड़ा यूट्यूबर आपके घर पे आया, उसको नाश्ता कराने के लिए आपके घर में पैसे नहीं है, दुकानदार उधार नहीं दे रहा क्योंकि भैया आपके घर में गरीबी है, वो भी अखंड वाली गरीबी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्त मैं जानता हूँ तेरे हालात बहुत खराब है, ये ले कुछ रुपए।
देखो देखो अबे गधो देखो सालो, तुमको दोस्त कहते हो शर्म आती है मुझे, इधर देखो इसको कहते हैं दोस्त। आगे इसने पैसे की गड्डी रख दी इसके हाथ में और तुम अरे एक चाय पिलाने में तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। ये देखो इसको कहते हैं सच्चा दोस्त। आज के बाद अगर मैं किसी दोस्त से कुछ बोला ना मेरे को तो यार वीडियो दिखा दूंगा उसको। किसके ऐसे दोस्त है भाई मुझे कमेंट में बताओ कि अगर मैं उसको बोलता हूँ भाई मेरे पास पैसे नहीं तो उसे गड्डी निकालेगा। ले भाई तू पकड़ पैसे, तू मेरे सामने गरीब नहीं रहेगा, अपन तेरा दोस्त है, टेंशन मत ले। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पापा आज अगर आपने कार नहीं दिलवाई तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे। अब ये पापा का तो पता नहीं, लेकिन भाई अगर हमारे जमाने की बात करें तो अगर हम ऐसे बोलते ना कि आज ये नहीं दिलाओगे तो कार नहीं खाएंगे। पापा शाम का ऐसे खाना मत बताना और डंडा और लेके आ साथ में, उसको डंडे के साथ बताऊंगा कैसे नहीं खाते खाना। मेरे बच्चों बहुत दिन हो गए तुम्हें ये जिद करते हुए, मेरी तनख्वाह मिल गई है ये लो 4,000 रुपए दोनों लोग रखो। दोस्त हो तो इनके जैसा भैया पैसे की जरूरत है ये पकड़ गड्डी पकड़, बाप हो तो इनके जैसा पैसे चाहिए बच्चों ये 4,000 तू पकड़ 4,000। एक हमारे पापा है, अरे पैसा मांगो तो ऐसा लगता है कि जायदाद मांग लियो। भैया उठा के चप्पल सीधा उड़ते हुए आती पटनी से, ओ पापा से चलो एक बार मिल भी जाता, मम्मी से मांग लिया तो पूरे खर्चे गिरा देती घर के। मेरे घर में इतने खर्चे दूध वाले का ये, फिर आखिर बच्चा जाके नहीं चाहिए पैसे नहीं चाहिए, गलती हो गई मेरे से, गरीबों के गरीबों से मांग लिया, इससे अच्छा जाके मैं रोड पे भीख मांगता जो ज्यादा मिल जाता, घर से नहीं चाहिए पैसे मेरे को। ये फंस गया सी है। कितने की मिली ये कार? पापा 7,000 रुपए की मिली। लेकिन मैंने तो तुझे सिर्फ 4,000 रुपए दिए थे। पापा 3,000 रुपए दुकानदार को उधार कर आया, चुका देना उनके। अब मुझे इजान हो जाएगा बता नहीं, अगर मेरे पापा होते या फिर आपके पापा होते भैया सच बता रहा हूँ। पापा कार बहुत महंगी थी इसलिए मैंने गुड़िया ले ली, ये रुपए बच गए ये ले लो, इससे भैया की कार का उधार चुका देना। बेटा नालायक है तो क्या हुआ, बेटी तो समझदार है ना। चलो ईशान भैया जिंदगी इसके सारे निकल जाएगी, ये तो जूतिया इसके भरोसे तो बुढ़ापा मत छोड़ना कि ये मेरे को बुढ़ापे में साथ देगा, इस साला पता चला लाद देगा। पापा पापा 100 रुपए दे दो मैं गुड़िया लूंगी। चुप पापा मुझे 100 रुपए दे दो मैं कार लेके आऊंगा। पापा मैं जीत गया, लाओ 100 रुपए। तुझसे छोटा है वो, तुझ में ज्यादा ताकत है उससे। मैं जानती हूँ मुझ में भाई से भी ज्यादा ताकत है, पर कभी बहन अपने भाई को हारते हुए नहीं देख सकती। मेरी प्यारी बहन, एक हमारी बहन है, हमारे हक का लेके भाग गिराती थी। कुछ भी कहो यार, बहन बहन होती है, सच में बहुत प्यारी होती है, उनसे कुछ भी चीज मांगो देती तो नहीं है लेकिन आती गेते देखती कभी कभी। पापा ये ले बहन गुड़िया। तू तो कह रहा था तू कार लाएगा, फिर ये गुड़िया क्यों ले आया? पापा भाई के होते बहन की कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई वेरी गुड, भाई वेरी गुड यार, तूने इज्जत बचा ली भाइयों की, वरना मैं तो साला देखो 4 गाली दे चुका था। ओ भाई दिल जीत लिया लोंडे तूने यार, क्या बात है। भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। अब तक सुना था आज देख लिया कि भाई बहन का प्यार ऐसा होता है। इतनी सी बात समझने में ईशान भैया की जिंदगी निकल गई, या तो ईशान भैया की कोई बहन नहीं थी या फिर बहन के साथ ईशान भैया ने प्यार वाला बर्ताव नहीं किया। वरना हमारे तो भाई बचपन में समझ में आ गया था, मेरी बहन बहुत बहुत सेक्रीफाइस किया भाई मेरी बहन ने हमारे लिए। जब मैं दाल चावल खाता था ना तो वो अपने वाला हिस्सा मुझे दे देती थी, भाई तुझे कम नहीं पड़े, बाद में वो मैगी बना खा लेती थी। आगे देखते किसका बेटा जाना जिसका बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार, मजे लेंगे मिल गए। और भाई लास्ट में ज्यादा एक ही चीज बोलूंगा कि वक्त बदल जाएगा तुम नहीं बदलोगे हम नहीं बदलेंगे, कपड़ा बदल जाएगा नोट बदल जाएगा तुम नहीं बदलोगे हम नहीं बदलेंगे। ठीक है बदल जाएंगे जो भी होगा। क्या बोला मेरे को समझ में नहीं आया, बाय बाय।